हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप छोटे बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध किस तरह से बना सकते हो घर पे आसानी से। अक्सर क्या होता है दोस्तों, बच्चे जो होते हैं हल्दी वाला दूध नहीं पीते हैं। तो बस मैं उनके लिए बहुत ही सिंपल से तरीके से बताऊंगी कि आप जो किस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है और 2 पिंच मैंने हल्दी लिया है। दोस्तों, ये दूध ऑलरेडी उबाला हुआ है, थोड़ा सी गर्म भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है इसमें एक चीज़ मिलाकर बना सकते हो जो कि बच्चे झटपट से पी लेंगे बिना कोई परेशानी के। तो चलिए फटाफट से चूल्हे की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छोटी सी तपेली या पतेली, जो भी आप बोलते हो, मुझे कमेंट्स में आता है कि आप तपेली बोलते हो, पतेली नहीं बोलते हो, तो जो भी आप बोलते हो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है और दूध को ऐड कर लिया है। दोस्तों, थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सी गर्म है। तो आप देख सकते हो इसे मैं थोड़ा सी चला रही हूँ फ्रेंड्स। तो फटाफट से इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स क्या होता है, बच्चे जो सर्दी होती है, सर्दियों का जो मौसम होता है, उस वक्त बच्चों को हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ही पीना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है दोस्तों, पुराने से पुराना दर्द जो है उभर के आता है, चोट उभर के आती है और दर्द होता है सर्दी के मौसम में। तो सर्दी के मौसम में हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हल्दी को ऐड कर लिया है, करीबन 2 पिंच के करीब मैंने लिया था हल्दी। और जितना आप दूध ले रहे हो वो हिसाब से ले लीजिए और इसको थोड़ा सी मिक्स करते हैं और थोड़ा सी पकने देते हैं। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना किचन हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको कच्ची हल्दी का ही इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें एक चीज़ का इस्तेमाल करना है जिससे छोटे बच्चे हल्दी वाला दूध बहुत ही आराम से पी पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने शुगर ऐड कर लिया है। आप चाहो तो बच्चों के टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप शुगर ऐड करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। बच्चों को हल्दी वाला दूध पिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर थोड़ा सा मीठा हो जाएगा तो बच्चे फटाफट से और आराम से पी पाएंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया है, अब ये बिल्कुल भी रेडी हो गया है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखा देती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, हमारा हल्दी वाला दूध जो बनकर झटपट से तैयार हो गया है, आप देख सकते हो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो बच्चों को बहुत ही आराम से पिलाया जा सकता है दोस्तों। और अगर आप हनी इस्तेमाल करते हो इसमें तो ये नॉर्मल हो जाएगा, आप उसके बाद ही हनी को ऐड करके बच्चों को डायरेक्टली पिला सकते हो और उससे अच्छा टेस्ट भी आएगा। और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा हल्दी वाला दूध बहुत ही झटपट से तैयार हो गया है। इतने दूध में मैंने इतना ही हल्दी का इस्तेमाल किया था। अगर आप ज़्यादा दूध का बनाना चाहते हो, बड़ों के लिए बनाना चाहते हो, तो आपको हल्दी की क्वांटिटी भी बढ़ा देनी है। और अगर बड़े शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, वरना बच्चों के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो झटपट से ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक का पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।